किशनगंज जिला मुख्यालय स्थित रुई धासा मैदान में केपीएल सीजन 2 का उद्घाटन सांसद डॉक्टर जावेद आजाद, डीएम तुषार सिंगला और एसपी डॉक्टर इनामुल हक मेंगनू के द्वारा किया गया। वहीं उद्घाटन के उपरांत किशनगंज सुपर किंग्स और टाइटंस टीम के बीच खेला गया। वहीं किशनगंज सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद ने खिलाड़ियों एवं आयोजकों को बधाइयाँ दी। बधाई देते हुए बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने की अपील भी की। इस अवसर पर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष संजय जैन, सचिव परवेज आलम उर्फ गुड्डू, कोषाध्यक्ष तारिक इकबाल, मनोज गट्टानी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जी करिए तो सर टीम है, आज ओपनिंग मैच है, आज 17 को फाइनल होगा। कितने ओवर का खेल होगा? 21 ओवर का खेल होगा। हमारे जो प्रेसिडेंट है संजय जैन जी, इन्हीं का ये सोच था जो किशनगंज के क्रिकेट युवाओं को आगे बढ़ाएं, इसी के लिए केपीएल को लाया गया। और आप लोग के सहयोग से, किशनगंज के ऑडियंस, किशनगंज के प्रशासन के सहयोग से ये किशन केपीएल सीजन 2 का आगाज है। बिहार स्तर के खिलाड़ी भी शामिल होंगे? जी हाँ, 60 खिलाड़ी बिहार रणजी के जो खेले हुए हैं वो खेलेंगे। और हमारे जो केपीएल के चेयरमैन डिंपल शर्मा जी, उनका ही बहुत योगदान है। और हमारे जितने भी कमेटी में स्कूटी मेंबर और जितने हमारे मैनेजमेंट कमेटी में सीजन 2 अभी ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, इसमें जो पूरी यहाँ की टीम है, ऑर्गेनाइजिंग टीम, यहाँ के केडीसी के सेक्रेटरी, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं और यहाँ पे जो सारे जितने लोग यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, जितनी टीम्स के प्लेयर हैं, कोचिज हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सभी बधाई के पात्र हैं। और हमारे जिला में जो रुईदासा मैदान एक प्रमुख मैदान है जो किशनगंज टाउन के बीचों बीच है, यहाँ पर काफ़ी मात्रा में पब्लिक आती है, क्राउड आता है, तो उनके लिए एंटरटेनमेंट का भी यहाँ पर साधन है। और इसके साथ ही यहाँ पर जितने भी टीम्स हैं, टीम के जो कोचिज हैं, उनको भी सपोर्ट यही कहना चाहेंगे कि आपका